ये हैं सचिन और शुभम। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज में यही दोनों गोलियां चलाते हुए नजर आए। सचिन गौतम बुद्ध नगर का है और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही जिले पश्चिमी यूपी के हैं और पहले दो चरणों के चुनाव यही होने हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की साजिश करने का प्लान था? पहले ओवैसी को सुनाते हैं, उन्हें इसके पीछे किसी की साजिश लगती है। इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज से नफरत करती हैं, इसीलिए इस तरह का बुजदिलाना खातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा, इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा। जैसे ही पुलिस ने सचिन और शुभम को दबोचा और उनका बायोडेटा सामने आया, हिंदू सेना इन दोनों के बचाव में आ गई। यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी, लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यही ओबीसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें। हम आपको बता दें कि सचिन और शुभम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं और दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की है। अब तक जो पूछताछ में पता चला है कि दोनों लगातार हेट स्पीच को फॉलो करते हैं। सूत्रों की माने तो इन्होंने बताया कि वो ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान से खफा थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देख लेंगे कि किस में कितना दम है। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी। यूपी पुलिस ने भी खुलासा किया है कि ये दोनों हमलावर एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण से नाराज थे। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। ओवैसी पर हुए हमले की तफ्तीश अभी चल रही है, लेकिन ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में दम है तो उन्हें मार के दिखाए। आज तक ब्यूरो।